हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, दादी जी के काम, डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड का मतलब होता है जो हमारे काम वाले शब्द होते हैं, हमारे काम वाले शब्द होते हैं। जैसे देखो, पहले हम चैप्टर की रीडिंग करते हैं। मेरी दादी जी सुबह चिड़ियों को दाना डालती हैं, फिर पौधों में पानी देती हैं, पार्क में घूमने जाती हैं, अखबार पढ़ती हैं, हमारे लिए स्वेटर बुनती हैं और हमें कहानियाँ सुनाती हैं। तो बच्चों देखो, इसमें डूइंग वर्ड कौन कौन से आए, जैसे कि दादी जी दाना डालती हैं, पौधों में पानी देती हैं, घूमने जाती हैं, अखबार पढ़ती हैं, स्वेटर बुनती हैं, कहानी सुनाती हैं। तो हमारे डूइंग वर्ड होते हैं जो हम काम करते हैं। जैसे देखो, नहाना, पढ़ना, नाश्ता करना, खेलना, स्कूल जाना, गाना आदि, ये सब हमारे डूइंग वर्ड होते हैं। अब चलो, अब हम देखते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 है हमारा शब्द संसार, समान अर्थ वाले शब्द। बच्चों, हमारे समान अर्थ वाले शब्द होते हैं जो दो शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ समान ही होता है, उनका अर्थ भिन्न नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। जैसे फूल है, फूल को हम सुमन भी बोलते हैं, पेड़, पेड़ को हम वृक्ष भी बोलते हैं, पक्षी, पक्षी को हम पंछी भी बोलते हैं, आसमान, आसमान को आकाश भी बोलते हैं, सूरज को सूर्य बोलते हैं और ज़मीन को धरती बोलते हैं। तो बच्चों, ये हमारे क्या हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं, जो अलग अलग तो हैं परंतु इनका अर्थ एकदम समान है, इनका अर्थ अलग अलग नहीं है। कुछ और शब्द दिए गए हैं, जैसे देखिए, मेघ बादल, जल पानी, बारिश वर्षा, चांद चंद्रमा, नाव नौका, किताब पुस्तक और बाग बगिया, स्कूल पाठशाला। तो बच्चों देखो, एक ही चीज़ को जब हम कई नामों से जानते हैं जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द। इधर भी देखिए, जैसे सूरज सूर्या, फूल सुमन, नाव नौका, किताब पुस्तक, चांद और चंद्रमा, लेकिन इनका अर्थ एक जैसा है, शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनका अर्थ एक जैसा है।